हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आज हम सब बात करेंगे पांच ऐसे बॉलीवुड सितारों के बारे में जिनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो लिस्ट में नंबर पांच पे बात करते हैं शाहिद कपूर और करीना कपूर के बारे में। इनका रिलेशन काफ़ी अच्छा चल रहा था, मगर करीना कपूर की माँ को ये रिलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ख़ास करके उनकी बहन ये रिश्ते को बिल्कुल भी कबूल नहीं कर रही थी। और उसी के बीच शाहिद कपूर और करीना कपूर का एक MMS वायरल हो गया, जिसके कारण इनके बीच में रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया और करीना ने सैफ अली खान से शादी कर ली। इसी के साथ अब लिस्ट में नंबर चार पे बात करते हैं कंगना रनावत और ऋतिक रोशन के बारे में। इनका रिश्ता 4 साल तक चला, मगर बीच में कंगना ने ऋतिक पर इल्ज़ाम लगाया कि ऋतिक ने उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया था, जो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। इससे ऋतिक की काफ़ी बदनामी हुई और उनका नाम बहुत उछला और मैटर कोर्ट तक जा पहुँचा। मगर बीच में ऋतिक और कंगना ने केस वापस ले लिया और उसके बाद इन दोनों ने क्रिश 3 नाम की फिल्म में एक साथ काम भी किया। अब ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसी के साथ लिस्ट में नंबर 3 पे बात करते हैं सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन। इन दोनों का रिश्ता 6 साल तक चला, मगर सलमान खान के गुस्सैल व्यवहार के चलते रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। सलमान खान ऐश्वर्या राय को काफ़ी बार मारा करते थे और उनका ऐश्वर्या राय के ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा इंटरफेयर रहता था, जिससे ऐश्वर्या राय बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसी के कारण ऐश्वर्या राय ने सलमान खान से ब्रेकअप कर लिया और जाके अभिषेक बच्चन के साथ शादी कर ली। इसी के साथ लिस्ट में नंबर 2 पे बात करते हैं अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी के बारे में। इन दोनों का रिलेशन भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, मगर अक्षय कुमार ने शर्त रख दी कि वो शादी तभी करेंगे जब शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड छोड़ के एक हाउसवाइफ बन जाएगी, मगर शिल्पा शेट्टी को ये बात मंजूर नहीं थी। इसी बीच ट्विंकल और अक्षय कुमार के रिलेशन का भी खबर आ चुका था, जिसके बाद शिल्पा ने अक्षय से ब्रेकअप कर लिया। इसी के साथ लिस्ट में नंबर 1 पे बात करते हैं अमिताभ बच्चन और रेखा के बारे में। इन दोनों का रिलेशन बॉलीवुड के इतिहास की सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग रिलेशन है। आज भी लोगों के दिली तमन्ना होती है कि अमिताभ बच्चन और रेखा एक साथ हो जाएं, मगर लोग आज भी अमिताभ और रेखा को उसी नज़र से देखते हैं जिस तरह से राधा और कृष्ण को देखा जाता था। इनकी कहानी तो अधूरी रह गई, मगर जीवन में नाम हमेशा के लिए जुड़ गया। और मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बनाने वाला हूं, जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा इन दोनों का ब्रेकअप कब, क्यों और कैसे हुआ। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।